दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के साथ में। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आते हैं। भाई ये अच्छी बात है कि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में मिल रहे हैं। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें Exynos 1335 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया है। भाई काफी अच्छी गेमिंग आप इसके साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और जो इनका कैमरा सेटअप है ना भाई वो भी बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों आपको बता दूं यार इन दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का वो तो काफी अच्छी फोटो और वीडियो आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोनों फोन्स के अंदर जो हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया ना भाई सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है। भाई सैमसंग यहां यार अपने दोनों फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकती थी लेकिन भाई पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने नहीं दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सैमसंग M14 यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A14 यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं जो कि सिर्फ 15W की चार्जिंग को करता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी भी चाहिए और ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग F14 की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन यार एक बात बताऊं भाई, फास्ट चार्जिंग के मामले में सैमसंग सच में बहुत ज्यादा पीछे रह गया। दूसरी कंपनी 80-80W तक दे रही है मतलब, लेकिन ये आज भी वही 25W 15W भी अटके हुए हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको भाई कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं जिसमें M14 यहाँ पर 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ A14 यहाँ पर 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी का मजा लेना है ना भाई तब आप यहाँ पर डेफिनेटली M14 की तरफ ही जरूर से जाइए। और 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोस्तों स्पीकर्स यहाँ पर हमें दोनों फोन्स में सिर्फ सिंगल ही दिए गए हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग M14 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A14 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखो यार दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन भाई ऑलमोस्ट क्या डिट्टो सेम ही है, लेकिन बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको सैमसंग M14 में देखने को मिल रहा है। और ऊपर से यार 4000 रुपए इसका प्राइस भी कम है, तो भाई वैल्यू फॉर मनी डील तो यहां पर सैमसंग M14 स्मार्टफोन ही है। ये तो ना बस टाइम पास ही बना दिया इस फोन को। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।